उत्साहित हैं कि हमारी गढ़वाली मूवी आ रही है यहाँ पे। और काम भी इतना बढ़िया लगनो छे कि हम अपर उत्तराखंडी बोली भाषा जो छे मी नीलम सेक्टर 2 बैसाली बेटी। हम आज फिल्म की शुरुआत होनी छे तो मैं निवेदन कर दो आदरणीय राकेश गौर भाई साहब से कि वो विधिवत उद्घाटन करें। बहुत अच्छी फिल्म लगी, बहुत ही अच्छा पसंद आया है उत्तराखंड का कल्चर को देख के। जो मैंने सोचा, जो मैंने उसको लिखा, पढ़ा और प्रस्तुत किया। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम लोग जा रहे हैं आज अपनी चक्रव्यूह मूवी देखने के लिए, जो अपनी गढ़वाली मूवी है। मैं और बॉबी भाई, ये तो भाई 1:30 बजे का शो था तो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, बट कोशिश ये है कि हम जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे और आपको अपडेट करेंगे पूरी। और देखते हैं कौन कौन कलाकार मिलेंगे वहाँ पे हम। तो भाई ने की अपनी स्कूटी तैयार। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और सोच रहा हूँ कि मैं गढ़वाल में बोलूँगा, बट देखते हैं सिचुएशन कैसी रहती है। अगर गढ़वाली में लोग मिलेंगे मुझे वहाँ पे बोलने लायक तो मैं बोलूँगा, अदरवाइज मैं हिंदी से ही अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दी है वैसे, और कंटिन्यू रखूँगा। बाकी धूप तो बहुत तेज है यार, आज निकलने का मन नहीं है, बट ये कि जा रहे हैं वहाँ पे तो ये पार्किंग में पहुँच चुके हम लोग। अब लगाएंगे हम अपनी गाड़ी यहाँ पे साइड में, भाई काटेंगे पहले पर्चा 20 रुपया दे दें भैया, बाद में दे देंगे। चल यहाँ पे हमने बैग वगैरह चेक करा लिया अपने और अब लोग हम निकल रहे हैं यहाँ पे ऑडिट 3 के लिए। और ऑडिट 3 में बहुत सारी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, तो ऑडिट 3 में आते ही देखिए इतनी सारी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे चक्रव्यूह मूवी के लिए और आप लोग देख रहे हैं हमारे जितने भी माताएं बहनें आ रखी है यहाँ पे, सारे के सारे बहुत उत्साहित हैं कि हमारी गढ़वाली मूवी आ रही है यहाँ पे और बहुत दूर दूर जगह से आ रखे हैं ये लोग। तो मैं सभी से पूछूंगा माता कैसी, मतलब अभी स्टार्टिंग ही है, अभी देखना बाकी है। और भीड़ देखिए आप लोग देख सकते हैं, जो अपनी बॉलीवुड मूवी है उसको उसके साथ ये पूरी टक्कर दे रही है पिक्चर। तो मैं अंडी आपसे पूछता हूँ, मेरा नाम गुड्डी नेगी छ, हमी इंद्रपुरम बिटा का छो, गाँव हमारे लंगूर पट्टी में पुल्या सु गाँव छ, और ये सहेली छ देव के रावत हुए पिक्चर देखा उन बाली के चक्कर पिक्चर लगी छ, वहीं देखो कौन चलो था देखे को पता चल के कान पिक्चर छ था ठीक छ बेटा धन्यवाद। मेरा नाम देव गिरावल छ, मैं इंद्रपुरम रानू गड़िया अपार्टमेंट में। तो आज हम बहुत खुश छ, हम सब येलो ड्रेस में आया छ, तो हम इतना बढ़िया लगन छ कि हम अपर उत्तराखंडी बोली भाषा जो छ मतलब एक दूसरा ने शेयर करा, हम तो बढ़िया लगन छ कि अपर भाई बहन बीच में बहुत बढ़िया लगन छ हम तो। हम मेरे गांव फिल्म दिखना भी आवा, हम धारी देवी मां फिल्म दिखना भी आवा, सब येलो ड्रेस में, येलो ड्रेस रहे अच्छा लगे ना वे कुछ से। मी नीलम सेक्टर 2 बैसाली बेटी की, गांव का नाम अदाली खाल धूमा कोट सेक्टर 2 बेटी आया छो। हम तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो भीड़ हो रखी है, सभी लोग बंद यहाँ पे हमारे भाई बंद सारे आ रखे हैं और दूर दूर से बहुत दूर दूर से लोग आ रखे हैं यहाँ पे, जो कि
पिक्चर देखने के लिए यहाँ पे जैसे पुकारेंगे। नमस्कार दगड़ियों, आज हमारे चक्रव्यूह फिल्म देखने को सुप्रसिद्ध हमारे अभिनेता उत्तराखंडी फिल्मों के अभिनेता हमारे भाई साहब जो का भी फिल्म आप कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा लो सुपर डुपर हिट फिल्म मेरे गांव के हीरो और कई हमारे उत्तराखंडी फिल्म बड़े थे वो हीरो भी छा और निर्माता भी छा। हमारे बीच में हमारे बड़ा भाई साहब आदरणीय राकेश गौर जी अपने फैमिली तक आया छे ना पर भाभी जी अभी पिछले बीरमा का की छा तो आज फिल्म का उद्घाटन करकमलो द्वारा और नयाल जी विनीता जी देवी की दीदी और अन्य सभी लोग भूमिका जी भूमा जी उषा जी और अन्य सभी लोग शर्मा जी हरिंदर शर्मा जी भी आया छे ना और देवी की रावत दीदी भी छे यकम और हमारे शर्मा जी हरिंदर शर्मा जी भी आया थे ना और भी सही सभी लोगों करकमलो द्वारा यकम आज फिल्म की शुरुआत होनी चाहिए। तो मैं निवेदन कर दूँ आदरणीय राकेश गौर भाई साहब से कि वो विधिवत उद्घाटन कर। बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों आपने देखा है यहाँ पे राकेश गौर जी भी आए हुए हैं और इन्होंने रिबन काट के सभी को संबोधित किया है कि आइए और इस फिल्म को देखिए और आप लोग जरूर आए इस फिल्म को देखने के लिए और जो हमारी माताएं बहने आ रखी हैं तो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोग इतनी दूर तक आए यहाँ पे। और तो चलो चल दे रहो भी चल दे रहो। तो आप लोग देख रहे हैं भीड़ और ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे बड़ी दी भी आ रही है तो दादी पढ़ना जी। नमस्कार, मैं राकेश गौड़ आज कृष्णा जी दगड़े आप सभी को हार्दिक अभिनंदन कर दू, स्वागत कर दू जयपुरिया मालमा। जी हाँ, मैं बड़ी खुशी के साथ बोलू छो आपते दगड़ियों कि जयपुरिया मालमा यह फिल्म 25 तारीख बटे लगी जो जयपुरिया क्या पूर्व दिल्ली NCR का बहुत सिनेमा हॉल में हमारे ये फिल्म चक्र भी लगी छ और बड़ी मेहनत और बड़ी जद्दोजहद के साथ जोशी जी ने यह फिल्म बनाई। ये मैं लाखों रुपए मोल खर्च करी। जी हाँ, जोशी जी का प्रोड्यूसर जी और सुशील जी ने रात दिन मेहनत करी थी, रात दिन ये करिए थे स्क्रिप्ट लिखी गई और फिर शूट करी गई। ये फिल्मकार में सभी कलाकारों थे बहुत बहुत बधे देवी चंद्रो की जो फिल्म बनाई और विशेष तौर पर कुशाल सिंह जी और सुशील जी और जोशी जी थे। फिल्म दे बाहर हम अपर समाज हम उस संस्कृति अपर भाषा को इसका प्रयास करना चाहो अपना लाखों रुपए जो चाहिए इन बहाना चाहो तो आप अभी कुछ फर्ज बढ़ो चुकी नहीं बढ़ो है ना। आप ते ही मैं आप ये गुजारिश करू लू ये प्रार्थना करू लू कि अपर कुटुंब देरी दगड़ भारे अपर ईस्ट मित्र गणों दगड़ अपना आस पड़ोस दगड़ जितका आपका मित्र चाहिए थे लेके जयपुरिया माल में आओ और भेजिए फिल्म से दिखाओ आप हमारे साथ देना तो हम दगड़ियों जरूर रहे हैं पिक्चर तो देखना करना। आप लद्दाख से राकेश गौर जी भी बहुत विनती करी हूँ और आप भी जरूर पहुंचे जरूर रहे हैं। इनके लिए करूँ यूं कि नोनी बालिक चे अपड़ भलू बुरू अच्छी तरह से समझ सकूं अगर फिर भी आप लोगों तो मी पर यकीन नहीं चे तो आप लोग वही तो बुलाओ और वही थे पूछ लो। मी थे ये सिखाई कि मैं अपने पिताजी को आदर सम्मान करूं और जब मेरे ब्यो युग दगड़ वे गए तो यू मेरे धर्म च कि मैं युग आज्ञा का पालन करूं। तो अब हम क्या कह सकते हो जब अपनी सोना खट च तो बैठा
अच्छी बात छे बौजी, आप मेरी बात को ख्याल रखें। अच्छा मैं जान छो भूली भूली त्यार बाठा का और म्यार बाठा का आना छन सरासरी चल नथर म्यार बाठा को पता नहीं क्या आग लगा ल अपनी माया थे छिपाना खोने। हाँ यार ठीक बात थी, अब तो जरा जरा मेत में विश्वास होना चाहिए। नमस्कार दगड़ियों, आज हम आया था चक्रव्यूह फिल्म देखने को आरआर सिनेमा जयपुरिया मॉल इंदिरापुरम। और आज हमारे दगड़ छन रावत मनीष ब्लॉगर, जो कि प्रचार प्रसार हर चीज़ फिल्म से हो, संस्कृति हो और अन्य चीज़ों का प्रचार प्रसार निरंतर करना छन। और आज वो चक्रव्यूह फिल्म यक देखने खुद भी आए छन और दगड़ में ब्लॉग भी बनाना छन, ई फिल्म से प्रचार प्रसार करना पड़ो। हम भी निरंतर कोशिश करना छा, प्रयास करना छा अपर बोली भाषा संस्कृति ते बढ़ाना पड़ो। जो हमारे ये चक्रव्यूह फिल्म का निर्माता निर्देशिका छिन दीदी सुशीला रावत जी, और डायरेक्टर छिन एक हमारे भाई साहब संजय जोशी जी और सुधीर धर जी, और जितका भी ये माँ अभिनय करने वाले कलाकार छिन वो भी बहुत ही ये माँ अच्छे कला अच्छा बहुत अच्छा अभिनय करी हुई। और ये मैं एक मैसेज समाज से दिनों को उन्हें एक मैसेज ये मैं कन्वे करना चाहिए कि कन हम अपर जो पति पत्नी जो भरोसा होते रिश्ता वे थे, हम कन छूट सी एक गलत फहमी के कारण वो रिश्ता कन टूटना कगार पर पहुंच जाए। तो ये मैं एक मैसेज दी चूँकि जो पति पत्नी निरंतर कई सालों पर जो एक संबंध बनी हो वे तो बरकरार रखना चाहिए, न कि क्या एक भगलोनी में आन और ये थे रिश्ता था जन निरंतर जन देवी देवताओं रिश्ता था, पवित्र रिश्ता वही हिसाब से आप पति पत्नी का रिश्ता ऋण चैन हो। तो ये मैं ये हमारे सुशीला दीदी ये मैसेज देना कोशिश करी छे, और गाना भी अच्छा छन और हमारे उत्तराखंड का लोकेशन भी बहुत अच्छी छे। तो मैं आप सबों से निवेदन और कर दूँ कि आप भारी से भारी संख्या में ही फिल्म का देखने को और आवा, और हमारे जो भी प्रोड्यूसर छन कलाकार छन उनका हौसला बढ़ावा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जगदीश रावत और आज हमें फिल्म देखना है चक्रव्यूह। और आज ये हमारे मनीष भाई हैं, मनीष रावत ब्लॉग, जो कि फिल्म देखने को अच्छे हैं और साथ में इस फिल्म को प्रचार करना पड़े भी क्या मैं अच्छे। आज फिल्म देखने के माध्यम से ये मैं एक इन अनुभव से फिल्म वाणा को कि हमारी भाषा तय बोली भाषा तक अपने बढ़ाना चाहे तो हमारा अपने बच्चों तय भी दिखाना, और कोई भी एक छोटी सी गलती की वजह से जब हम बोलता है कि गलत फहमी हो जाते वो गलत फहमी दिखाई थी कि अगर पति पत्नी को अटूट बंधन से और दूसरा बखाव में ना आवा तो हम बहुत अच्छी ढंग से अपने पारिवारिक संबंध है सही ढंग से जी सकता। और साथ में आज बहुत सारे लोग आए थे, बहुत उत्तराखंड की जानी मानी हस्तियाँ आई थी, और मैं सुशीला दीदी से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन पहली निर्माता निर्देशिका थी जो गड़ल फिल्म थी, और साथ में ये संजय जोशी जी और सुधीर धर जी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि वो एक नई सोच नई दिशा की तरफ से हमारे जो फिल्मों को प्रचार प्रसार करना चाहिए और सभी लोग आवा और एक एक ई फिल्म था देखा
ताकि हमारा आनो समाज, हमारे बच्चों थे, हमारे अड़ोस पड़ोस थे एक बारे में पता लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दगड़े आप लोग उद्याक्ष जन भी हम अभी बात कर रही हुई हम लोग दगड़े अभी जो निर्देशक थी और जो और कलाकार थी ये पिक्चर का वो भी थोड़ी देर हम ये पहुँच जाला तो आप लोग बताऊँ दगड़ भी उनको भी क्या बात हूँ क्या विचार छू का माइंड में क्या है वही चीज़ के बारे में आप लोगों को जरूर बतूला। और बाकी आप लोग बढ़िया रहे हैं और पिक्चर बहुत बढ़िया लगा भी इंटरवल से पहले थोड़ा जो सीन था वो एक बार बहुत अच्छा लगा और बाकी जो रहा आप लोगों को जरूर बतूला। और ये मदर बॉय भाई यार ये तो बॉय भाई अभी तक की मूवी अभी तक की पिक्चर का लगा आप कड़वा लिंग बोले हाँ बोलो कड़ाने वाले अरे बढ़िया लगी अभी तक तो ठीक है बस थोड़ी ज़्यादा त्राटी हो गई बाकी स्टोरी तो अभी ठीक है अब आएगा मज़ा इंटरवल के बाद बाकी देखते हैं क्या होता है अब मजा आए ना आए क्या हो गया कड़वाली मूवी तो देखने में क्या सेवा कर लो यू उम्र दू की कोई गुड़ ना एहसान और मैं तो बनू छो इन मशीन हूं चैन छाई जैसे यू मर्दू को चेहरा पड़ी जा सको यू को कुछ पता नहीं चल दू क्या मन का भय और क्या भीतर तो सर कैसे लगी पिक्चर कुछ बोलेंगे रिव्यू कैसे लगी मैडम पिक्चर हाँ चलो बहुत बढ़िया तो अपनी ये चक्रव्यूह पिक्चर पूरी खत्म हो गया और जब का भी ये का पिक्चर देखना लोग थी सब भाई राणा थी कल लगाते पिक्चर अच्छा तो जितने भी लोग हैं हमारे सारे आ रहे हैं बाहर के लिए कैसे लगी मैडम पिक्चर तो पूरा हाउसफुल है मुझे बहुत पसंद आया शिक्षा की शिक्षा दीक्षा की दीक्षा बहुत बहुत धन्यवाद सर मैडम बताइए कुछ पिक्चर बारे में बहुत अच्छी फिल्म लगी बहुत ही अच्छा पर वही था कि एक परिवार जो है सबकी वजह से पूरा परिवार जी 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 फिल्म बहुत बढ़िया धन्यवाद बहुत आनंद आया भाई उत्तराखंड का कल्चर को देख के और जो बहुत आनंद आया है जो है सबको समाज में सब जिसकी जानी चाहिए कि हाँ ये जो है समाज जो है बहुत चेंज हो गया है और इसको दूर करना चाहिए थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद कुछ बताइए मैडम पिक्चर के बारे में कुछ बताओ कल लगा आप लोग उधर पिक्चर रेकॉर्ड नहीं बोलो चलो बहुत बढ़िया धन्यवाद तो देख रहे हैं आप लोग सारी ये भीड़ हाउस पूरा फुल था और सारी जनता बाहर आती हुई कुछ बोला और केदारनाथ बहुत अच्छी लगी बहुत 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 शुभकामनाएं धन्यवाद बहुत बढ़िया लगी और सूर्य मैडम बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद लो आप लोग भी बोलोगे पिक्चर कैसी लगी आपको मतलब क्या सीखने को मिले आपको इस पिक्चर से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए बिल्कुल वरना मत करो बहुत अच्छी लगी पिक्चर हाँ बिल्कुल मैडम लाल बहुत अच्छी लगी हाँ एक बात और अपन ने नोट कर कपूर हमेशा बोल दे बेटे साजिश कर दी यक्षा लो कभी बोल दिया जमाने के साथ चल
आप बोलोगे मैडम कुछ? नमस्ते सर, कैसे आप? जी नमस्कार, मैं चिकोमल आनंद देवी और मैं आई हूँ आज चकाना घूमने के लिए। तो बहुत चिकना लगे मुझे और ये पट्टी हमें सीन को ट्राई करते हैं क्योंकि हमें कभी कोई देख के ही बिना देख के सोचे हमने विश्वास नहीं किया। धन्यवाद सर, आप तो हमारे पुराने ओला ने मार दिया गोला, बहुत अच्छी पिक्चर है, ओला ने चलाया गोला। आप लोग अधिक से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में पिक्चर लगी मैं करो सारी पिक्चर देखो और जैसे कि लोग पिक्चर बहुत ज्यादा हमारे छा रहे लोगों से आप हमारे धन्यवाद सर। पिक्चर कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा प्रयास है फिल्म में और उम्मीद है कि आगे ऐसी फिल्में बनती रहेंगी ताकि हमारी भाषा और संस्कृति भी जिंदा रहे और हम लोगों को मजबूत बनाइए। जैसी हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे जोशी जी ने कोशिश की, सुशीला जी ने कोशिश की, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। आइए हमारे सिनेमा को मजबूत बनाइए, हमारी संस्कृति को जिंदा रखिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आपने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई। तो मैम थोड़ा पिक्चर के बारे में बताइए। ये मेरा सौभाग्य है तो आके आप लोगों को मेरी फिल्म पसंद आ रही है। बस मैंने तो मतलब यही मेरी सफलता है, जो मैंने सोचा, जो मैंने उसको लिखा, पढ़ा और प्रस्तुत किया अपने कलाकारों के द्वारा और जनता ने सराहा है तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैम जैसे इसमें कलाकार हैं, जैसे गोला जी ने अपना रोल किया इसमें, परमिंदर जी हैं जो हमारे, उन्होंने इसमें रोल किया, तो मतलब इसके बारे में क्या कहेंगे आप कुछ? नहीं, वो मेरी सोच थी, वो मैं वो एज ए कलाकार मैं समझो वो मेरे तरफ से सिंबॉलिक एक समाज था। समाज में इस तरह के लोग होते हैं जो चक्रव्यूह रचते हैं और एंड जब मैंने दिया कि चक्रव्यूह कभी खत्म नहीं होता, ये दर पर दर चलता रहता, इसलिए मैंने उसको वहीं पे छोड़ा है। जी, तो आपने जैसे इसमें लिखा था कि जैसे एक पूरी फैमिली थी, पूरी फैमिली इसमें एक चक्रव्यूह के अंदर पूरी रच गई, तो इसमें मतलब कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं नहीं, वो मतलब समाज में ऐसे लोग होते हैं कि वो अच्छी बड़ी फैमिली का विनाश कर देते हैं चक्रव्यूह रचते रचते, और वो इतने सातिर होते हैं कि दूसरा बंदा उनको समझ नहीं पाता कि वो क्या है। और ये आपको समाज में आप कहीं भी जाओ आपको ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, तो वही चक्रव्यूह का ताना बाना बुना और आप लोगों के सामने। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबको फिल्म पसंद आई है और मैं सब लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि प्लीज अपने यंग जनरेशन को जरूर लाइए ताकि वो समझे कि चक्रव्यूह क्या होता है, किसी के जाल में न फंसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप यहाँ पे आए और हम लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित। मेरा नाम संजय जोशी है और इसमें ये फिल्म में मैं प्रोड्यूस किया है और मेरे साथ को प्रोड्यूसर है हमारे सुधीरधर जी। सुधीरधर कश्मीर से हैं, उसके बावजूद उत्तराखंड की पिक्चर में पूरा पूरा सहयोग किया है और ये पिक्चर जो है बड़ी दिल से बनाई गई है। पहली बार हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि इसको ड्रामा रूप में प्रस्तुत किया जाए और खूबसूरत वादियाँ दिखाई हैं, टूरिज्म दिखाया है और हमारी बोली भाषा पहनावा सबको बढ़ावा दिया है। सारे हमारे कलाकार, यहाँ तक कि हमारे जो लैब बॉम्बे में थे, एडिटर जो थे, ये सब पहाड़ के लोग हैं और मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा और जो लोग यहाँ आए हैं हमारी इस बोली भाषा संस्कृति को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आइए और इसको देखिए और हमारे प्रयास को सफल बनाइए। मेरे साथ दोष है, जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसे बढ़ के ये लोग आए, उन्होंने इस पिक्चर को सराहा और एनकरेज किया। मैं चाहता हूँ कि हर एक पहाड़ी इस फिल्म को देखे जिसको उत्तराखंड की भाषाएं आती हों या ना आती हों, ये समझ में आ जाएगी, ये बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी। थैंक यू सो मच। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सारे हमारे कलाकार यहाँ पे खड़े हुए और सबसे बड़ी बात है जी ने ये पकड़ना माइक पकड़ने, ये सब लोग जो बना चाहिए पहले मतलब फिल्म अच्छी लगा ज्यादा अच्छी लगा क्योंकि पेड़ों पे एक बात वही कि आज तक यू उद्योग चाहिए एक कपूर का सीरियल माँ कि बेटले साजिश कर दी, ये फिल्में लोगों की चाल अभी साजिश कर दी, ये बेटले ज्यादा खुशी कि चाल अभी साजिश कर दी। हाँ मैडम जी, उत्तराखंड उत्तराखंड गोल्डन मेमोरी चैनल से और मैं रावत मरीश ब्लॉग से, तो मैडम से जरा कुछ क्वेश्चन करना चाहन के लिए मैडम जन हम था मिला सी थे एकदम अच्छा लगा हम था कि जन आप उत्तराखंड बोलना चाहो सब तक पकड़ी पकड़ी की बताओ।
बताओ। मैम पहला पर गांव नाम बता दें। हाँ जी, ये मैं मतलब मैं नौची भी नहीं था नया, और मैं चौ मतलब मैं ची मेरे पौड़ी और ससुराल जी मेरे श्रीनगर भैंसकोट, और मैं मतलब हमारे एक ब्लॉग बड़े हिट मतलब अपने बोली भाषा में उत्तराखंड गोल्डन मेमोरी। अब मैं सबसे हाथ जोड़ विनती कर दूँ कि दगड़ अम्मा आप लोग भी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, जरूर हम लोगों को याद कर रहे हैं। और एक जयपुर मॉल में मूवी लगी थी चक्रव्यूह, बहुत अच्छी थी, मतलब इतना चुची कि वो नगने तो ये बुलोर मिनी में बहुत अच्छा लगनी, और आप लोग आया करा। बिल्कुल, हम तो आनंद ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार देखी आप लोगों को, तो आप लोग आया करा, अपनी बोली भाषा बहुत जरूरी है, ठीक है, और हम लोग अच्छे ब्लॉग सब मिल जाए ना हम लोग, चला बुला आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी, की बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे, और आप लोग जरूर रहे यहाँ, सब जगह आए हैं और पिक्चर देखना करना यहाँ, और हमारे जितने भी उत्तराखंड भाई बहन थी और जितने भी लोग थी सब तक जरूर बताए यहाँ, ये पिक्चर बहुत जगह लगी हुई जन की आप द्वारिका मॉल में लगिया छी, वीटीएस मॉल में लगिया छी, या गाजियाबाद में लगिया छी, तो आप लोग से विनती छी मैं आरगी जरूर रहे, और आप लोग तो पिक्चर देखिए बहुत अच्छा लगाल। पिक्चर का मेन मकसद से के एक बोलन पे ना चलिया, अपन मर्जी से सब कुछ करिया, अके एक चक्रव्यूह बना रहे छा, चक्रव्यूह पिक्चर नाम ही ले धरियो कि लास्ट तक पूरी चक्रव्यूह में एक पूरी फैमिली चाहिए, पूरी फैमिली ये चक्रव्यूह में खत्म हो गया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मैं यहाँ पर ब्लॉग है कि मैं खत्म करना चाहूँ, और आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद जब भी मेरा चैनल जुड़िया छी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मूवी खत्म, भाई ने देख ली चक्रव्यूह, अब भाई सीख गए हैं कैसे लड़की का गला दबाना है, सोती लड़की का गला दबाना है, भाई कह रहे हैं अब मैं सब गला दबाने में एक्सपर्ट हो गया हूँ, भाई अब भाई ने पूछ लिया है गला दबाना कैसे करते करते दबाएंगे गला दबाएंगे तो भाई बच्चे नहीं लड़कियां सारी तुम बहुत और रख रहे हो तो भाई ये पिक्चर तो देखेंगे ना बोई भाई बोल मी कि मिल सी क्या गाल दबान पर इन कुछ नीचे मेरी बीवी को गलत मैसेज मत दो भाई मेरी बीवी मुझे नचा देगी बात